स्थापना दिवस पर भारतीय वायुसेना की आसमान में दिखी ताकत, क्राफ्ट परेड में शामिल हुआ राफेल, 56 विमानों ने आसमान में दिखाई ताकत। राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के जवानों को दी बधाई। हाथरस कांड के आरोपियों ने एसपी को जेल से भेजी चिट्ठी, खुद को बताया निर्दोष। संदीप ने कहा पीड़िता से थी दोस्ती। आरोपी संदीप का दावा, पीड़िता को घर वालों ने ही मारा। किंग्स इलेवन पंजाब और हैदराबाद के बीच मुकाबला आज, दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सपना चौधरी ने 4 अक्टूबर को बेटे को दिया जन्म, गुपचुप तरीके से बॉयफ्रेंड वीर साहू से की थी शादी। यूजीसी ने 2 दर्जन फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची जारी की। फर्जी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा यूपी तो दिल्ली एनसीआर दूसरे स्थान पर। इटावा में अवैध संबंध के शक में पत्नी को पीट पीट कर मार डाला, बचाने सास को भी गंभीर रूप से घायल कर आरोपी फरार। ससुराल पहुंचकर युवक ने वारदात को दिया अंजाम। अब खबर विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। अपने स्थापना दिवस पर भारतीय एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर अपनी शौर्य क्षमताओं का आकाश में प्रदर्शन किया। पहली बार इसमें राफेल जेट भी शामिल हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल MM नरवड़े, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना चीफ RKS भदौरिया की मौजूदगी में हुई परेड में 56 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इसमें राफेल के अलावा तेजस, जगुआर, MiG-21 व MiG-29 तथा सुखोई विमान शामिल हुए। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मैं देश को भरोसा देना चाहता हूं कि वायुसेना हर हाल में देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना की सभी योद्धाओं को ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए कहा कि माँ भारती की रक्षा के लिए आपका साहस और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। हाथरस केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों ने जेल से हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने गलत ढंग से फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए हत्या के लिए पीड़िता के परिवार वालों को जिम्मेदार ठहराया है। आरोपी संदीप ने इस चिट्ठी में लिखा है कि पीड़िता से मेरी दोस्ती थी और यह बात उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। चिट्ठी के मुताबिक इसी गुस्से में पीड़िता की माँ और भाई ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। जेल में बंद चारों आरोपियों ने पूरे मामले की जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। चिट्ठी मुख्य आरोपी संदीप की ओर से लिखी गई है, जिस पर बाकी आरोपियों लवकुश, रवि, रामू ने भी अपने अंगूठे लगाए हैं। दूसरी ओर हाथरस केस में सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को मिली 3 लेयर सुरक्षा को लेकर अब परिवार परेशान हो गया है। पीड़िता के परिवार की ओर से एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर राहत दिलाने की मांग की है। इस अर्जी में कहा गया है कि अत्यधिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की बंदिशों की वजह से परिवार घर में कैद होकर रह गया है। अर्जी में परिवार को लोगों से मिलने जुलने और अपनी बात खुलकर कह सकने की छूट दिए जाने की मांग की गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने देश के 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची जारी की है। UGC ने इन संस्थानों को फर्जी करार दिया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। UGC के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि छात्रों और जनता को बताया जाता है कि वर्तमान में 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थान UGC कानून का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं। इन्हें फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है और इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। UGC की ओर से जारी फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में है। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐसे 7 और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। मिर्जापुर 2 सीजन को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट देखने लायक है। बीते दिनों आए ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया है। मिर्जापुर 2 के ट्रेलर में गुड्डू पंडित से लेकर मुन्ना भैया और कालीन भैया जैसे सभी किरदारों का अंदाज देखने लायक है। इस बार मिर्जापुर 2 में कुछ नए चेहरे और किरदार भी देखने को मिलेंगे, जो कहानी को नया मोड़ देंगे। वहीं इसका ट्रेलर देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सीरीज की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण लोगों को मिर्जापुर सीजन 2 जरूर देखना चाहिए। मिर्जापुर 2 23 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो रही है। IPL के 13वें सीजन के 22वें मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब आमने सामने होंगे। गेंदबाजों की नाकामी के कारण अब तक लचर प्रदर्शन करने वाली पंजाब और हैदराबाद की निगाहें टीम के बल्लेबाजों पर होगी।
दुबई में मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। किंग्स इलेवन ने अब तक 5 में से 4 मैच गंवाए हैं और अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। सनराइजर्स ने 3 मैच गंवाए हैं और 2 में से उसे जीत मिली है और 6 छठे स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमें ये मैच जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी। यूपी के औरैया जिले में गुरुवार को 20 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में अब तक कुल संक्रमित मिले मरीजों की संख्या 2465 हो गई है। राहत वाली बात यह है कि अब नए सामने आ रहे मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है। इसे प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जन सामान्य ने राहत महसूस की है। जिले में अब तक 2200 से अधिक मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। यूपी के इटावा जिले में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के मोहल्ला अलकापुर में बुधवार रात अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी को ससुराल में ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की सास बेटी को बचाने आई तो युवक ने उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। सास को सैफे मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया है। एसपी सिटी डॉक्टर रामेश सिंह ने बताया कि पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। घटना देर रात करीब 2 बजे हुई। आरोपी पति शहर के ही मोहल्ला गाड़ीपुरा का रहने वाला है और शराब का आदी बताया जाता है। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इसके चलते महिला अपनी माँ के पास आकर मायके में रहने लगी थी। इटावा पुलिस ने कथित तौर पर ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटे जाने के मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को जेल भेज दिया है। एसओजी टीम व बकेवर पुलिस ने एक ड्राइवर की पत्नी की शिकायत पर जांच करते हुए खुलासा किया है कि ट्रक चालक ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए फर्जी मारपीट का वीडियो वायरल करवाया था और अपनी पत्नी के अपहरण होने की झूठी तहरीर दिलाकर रिपोर्ट बकेवर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया ट्रक ड्राइवर अनीस उर्फ अन्नू शातिर अपराधी है और गोकसी के मामले में पहले औरैया जिले में जेल भेजा जा चुका है। पकड़े गए ट्रक चालक ने ही लेन देन के विवाद में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद के साथ फर्जी मारपीट किए जाने का वीडियो तैयार किया और वायरल किया। फिर विरोधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए पत्नी को थाने भेजा। पुलिस अब शिकायत दर्ज कराने वाली फरार महिला तथा अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अगली खबर औरैया जिले से है। यहाँ डाइट अजीत मल में डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने 3rd सेमेस्टर में प्रमोट न किए जाने पर प्रदर्शन करते हुए डाइट प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इन प्रशिक्षुओं का कहना था 2018 बैच के डीएलएड प्रशिक्षुओं में से 1st व 2nd सेमेस्टर के कुछ प्रशिक्षुओं की बैक लगी थी। कोरोना संक्रमण की वजह से 3rd सेमेस्टर में उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। ऐसे में प्रशिक्षु पूरी तरह पास नहीं है। अब उन्हें 3rd सेमेस्टर के साथ ही बैक पेपर का एग्जाम भी देना है। शिक्षकों का कहना है कि या तो उनके बैक पेपर 3rd सेमेस्टर की परीक्षा के बाद में कराए जाएं या फिर उन्हें 3rd सेमेस्टर के लिए पूरी तरह पास करते हुए प्रमोट कर दिया जाए। एक साथ 3rd सेमेस्टर और बैक पेपर देना उनके लिए परेशानी भरा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhabar.com पर जाएं।